बाढ़ से निपटने के लिए कोई दीर्घकालिक उपाय न किए जाने और अंबाजरी झील में बढ़ते जलस्तर के कारण फिर से बाढ़ आने की आशंका के चलते एनएमसी ने अंबाजरी झील का जलस्तर कम करने के लिए 4 पंप लगाए हैं। अंबाजरी तालाब का जलस्तर 316.20 मीटर बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि कट वॉल ओवरफ्लो स्तर 316.24 मीटर यानी ओवरफ्लो के लिए केवल 0.04 मीटर शेष है। इस श्रृंखला में साथ ही 2 आउटलेट के माध्यम से पानी छोड़ा जा रहा है। आसपास रहने वाले लोग अपने सामान की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठा रहे हैं। अंबाजरी बांध के निचले इलाकों और नाग नदी के किनारे रहने वाले लोग अपनी जरूरी चीजें ऊपरी मंजिलों पर ले जा रहे हैं। हालांकि 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। हम फिलहाल आए हैं अंबाजरी तालाब परिसर में। हम सबको पता है कि पिछले शनिवार को नागपुर में धुआंधार बारिश हुई थी, जिसके बाद अनेकों जो यहाँ के इलाके हैं वो जल जमाव हो गया था और जो घर है घरों में पानी गया था, काफ़ी नुकसान लोगों का हुआ था। और इससे पहले हमें पता है कि कुछ महीनों पहले अंबाजरी तालाब इन्हीं दिनों में जो है ओवरफ्लो हुआ था और इस दौरान जो है वहाँ के इलाकों में पानी जाने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी समस्याओं का सामना वहाँ के नागरिकों को करना पड़ा था। और इसी की खबरदारी लेते हुए अब प्रशासन द्वारा जो है अंबाजरी तालाब से पानी निकाला जा रहा है, ताकि अगर भारी बारिश होती है तो फिर से वो परिस्थिति जो है वो दोबारा ना आए और वहाँ के नागरिक जो है वो सुरक्षित रह पाए, इसलिए प्रशासन द्वारा जो है ये इंतज़ाम किए जा रहे हैं। अंबाजरी तालाब जो है वो जो खतरे की जो लाइन है वो क्रॉस करने के लिए 1.5-2 मीटर की ही जो लेवल है वो पानी की बची है, और इसी के लिए मनपा प्रशासन की ओर से जो है खबरदारी ली जा रही है। वहाँ पे उपाय किए जा रहे हैं, पानी निकाला जा रहा है अंबाजरी तालाब से, ताकि जो घटना इससे पहले हुई थी, पानी बरसात की वजह से पानी का ओवरफ्लो हुआ था और लोगों के घरों में पानी गया था और काफ़ी दिक्कतें वहाँ उत्पन्न हुई थी, वो ना हो, वैसी स्थिति दोबारा ना हो, इसीलिए एनएमसी प्रशासन की ओर से पानी निकाला जा रहा है अंबाजरी तालाब से। लेकिन फिर भी अगर भारी बारिश होती है और तालाब ओवरफ्लो होता है तो तालाब के किनारे बसे हुए जो घर है, जो लोग हैं, उन्होंने अभी से सतर्क होना जरूरी है, क्योंकि जो परिस्थिति इससे पहले निर्माण हुई थी वो ना हो, वही दिक्कतें ना आए, वही समस्याओं का सामना फिर से उन्हें दोबारा ना करना पड़े, इसीलिए जो है नागरिकों ने भी सतर्क होना जरूरी है। और ऐसी अपील भी BCN न्यूज़ द्वारा की जा रही है कि तालाब पर ना जाए, ताकि तालाब में जिस तरह से पानी बढ़ रहा है भारी बारिश के कारण, तो बह जाने की भी यहाँ पे संभावना है और सभी जान का खतरा ना हो, जानमाल का खतरा ना हो, इसलिए सतर्कता बरतना बहुत ज़रूरी है। ऐसी अपील अब BCN भी कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिन भर से आज बारिश शुरू है, कहीं ना कहीं जो खतरे की लेवल है, पानी जो है लिमिट से बाहर आने की भी संभावना है, लेकिन प्रशासन की ओर से पूरी खबरदारी यहाँ पे ली जा रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।